अयोध्या में 42वां रामायण मेला चल रहा है, इसमें सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। अभी आपका प्रोग्राम चल रहा था, बड़ी मुश्किल से आप टाइम आप दे पाई। अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताएं, आप पहले जीत इस माटी से हैं, आप खुद अयोध्यावासी हैं, फैजाबाद में तब थे, अब तो अयोध्या बन गया है। आप अभी 22 तारीख को जो है अभी इसका मोदी जी आ रहे हैं, अभी शुरू उद्घाटन होना है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बताया ना मैंने कि बड़ी गर्व की बात है। हम दूसरे देश प्रदेश में जब जा रहे हैं वहाँ भी अयोध्या की ही चर्चा है, राम मंदिर की चर्चा है कि हमको चलना है देखने के लिए, तो बड़े ही गर्व की बात है कि अयोध्या नगरी हमारी ऐसी हो गई अब, और हमारे बाबा ने, योगी बाबा ने ऐसा कर दिया कि गर्व का विषय है कि हर तरफ अयोध्या की चर्चा हो रही है और विकास की चर्चा हो रही है। आप ये बताएं कि जैसे एक पीड़ा थी आपके मन में, अभी मंच पर मैंने देखा, आज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम चल रहे हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे जो लोक गायकी है वो थोड़ा मिटती जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम कलाकारों का एक कर्तव्य है कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और जानते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो प्रयास कभी विफल नहीं जाता है। जी जी, हम अपनी लोक गायकी से, लोक गीतों से, लोग हमारी लोक संस्कृति है उसे आने वाली पीढ़ी को, अभी देखें आप कितनी भीड़ थी, नए युवक नई युवतियाँ बैठी थी, तो वो जब सुनेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनाएंगे भी अपनी ज़िंदगी में। वो आज के कलाकार शॉर्टकट अपना रहे हैं, लोग शास्त्रीयता की तरफ नहीं जाना चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, केवल अश्लीलता की तरफ, मतलब एक उनका लोक गायकी में भी अश्लीलता को खोजते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहती हूँ उनके बारे में कि जो शॉर्ट अपनाते हैं, शॉर्ट चीज़ कभी किसी का सलूशन नहीं है, भाई कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप देखिए, एक कछुआ और खरगोश के एक ऐसा उदाहरण है कि धीरे धीरे चलिए लेकिन सही ट्रैक पे चलिए, और जो अश्लील गाने हैं वो कुछ दिन तक चलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टार बना देंगे, कुछ दिन के लिए आपको स्टार वाले बन सकते हैं, लेकिन आप जितनी जल्दी आप ऊपर चढ़ेंगे उतनी जल्दी आप धरातल पर भी आ जाएंगे। लेकिन आप पारंपरिक चीज़ों को अपने रहेंगे तो परिवार के साथ वो चीज़ गाइए जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के सुन सकें, देख सकें उसको। अभी इस समय एक दौर चल रहा है जैसा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का, आप नए जो नवोदित कलाकार हैं जो बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए बस यही मैसेज है कि प्रयास करते रहें, रियाज करते रहें, और जो कुछ मिले उसको पाएं, जो ना मिले उसके लिए प्रयास करें। आपने देखा होगा मैं भी जीरो से मैंने शुरुआत की थी, यहाँ से अयोध्या से जब शुरुआत की थी तो मैं कुछ भी नहीं थी, आज अयोध्या के लोगों का आशीर्वाद और प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, मैं थोड़ी बहुत मुकाम मैंने हासिल किया है, तो उनके लिए वही है कि आप धीरे धीरे प्रयास करते रहें और अपनी संस्कृति को अपना के चलें। अब मैंने एक चीज़ जो मुझे और पीड़ा है, बिहार में देखती हूँ, बिहार में जब बड़ा मंच होता है तो वहाँ पे कोई आईएएस अधिकारी हो, कोई पीसीएस हो, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, वो भोजपुरी बोली और मैथिली बोली में ही अनाउंसमेंट भी करता है। तो हमारा ये मानना है कि हम जो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं और अयोध्या में तो हमें अवधी बोली में ही, मतलब अपनी बोली, अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको बरकरार रखना चाहिए। एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी जब गायकी आपने शुरू किया बहुत दिनों के शादीशुदा जीवन के बाद, जो है काफ़ी दिन बाद आपके अंदर जब आपको सपोर्ट मिला आपके ससुराल का, तब आप आगे बढ़ पाएं, ऐसे भी कलाकार हैं जो मन की पीड़ा को अपने दबाए बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन चूंकि हमारे यहाँ परंपराएं एक बाधित है, जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है उनके रास्ते में रोड़ा है, उनके लिए आप, क्योंकि इस पीड़ा को आपने झेला है व्यक्तिगत, इसलिए आपकी राय इसमें मानी रखती है। मैं कहती हूँ कि विरोध हर जगह होता है, जब आप पहले तो लोग आपको कहते हैं कि हाँ आप जाइए करिए, लेकिन जब जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं वैसे से विरोध जो है तेज़ होता रहता है, चाहे परिवार को, समाज का और रिश्तेदारों का हो, सबसे पहले अपने ही विरोध करते हैं, अपने परिवार से विरोध शुरू होता है, लेकिन अगर आप किसी मंजिल को पाना चाहते हैं तो विरोध को आप दरकिनार करके अपनी मंजिल की तरफ आप निशाना, मतलब मंजिल की तरफ आप अग्रसर रहिए, निरंतर आप अपने गायकी, अपना कार्य, जो भी कार्य है वो करते रहिए, तो विरोध जो होता है वो चंद दिनों तक होता है, जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो लोग, जो लोग विरोध करते हैं वही बाद में आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, आपको आपको जो जो है वही आपको पसंद करने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि आप विरोध को दरकिनार करके अपने लक्ष्य को, जैसे अर्जुन ने सिर्फ, अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख थी, तो अपना टारगेट, अपना लक्ष्य आप रखिए। आप सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना मिश्रा जी हैं, आपका कहना है कि कुछ भी काम आप करेंगे आगे तो विरोध तो आपको झेलना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यही है वह पथ, पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हों, दाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हों, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।